करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का प्रदेश प्रवास। उपराष्ट्रपति धनखड़ पहुंचे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, गुरु गोविंद सिंह आदिवासी विश्वविद्यालय इसके पश्चात जाने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम जयपुर भी आएंगे, कार्यक्रम भी प्रस्तावित। करीब 7:50 पर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। 8 आमेर की राजवन ताला पैलेस होटल के लिए रवाना होंगे। यूपी के सीएस दुर्गा शंकर मिश्रा के पुत्र के विवाह समारोह में वो शामिल होंगे सपत्नीक, और उसके बाद जयपुर से रात करीब 9:35 पर फिर से प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे उन्होंने माता के दर पर जाकर शीर्ष नवाजा, और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रही। देखिए तस्वीरें। इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह आदिवासी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और उसके पश्चात जयपुर आने का भी कार्यक्रम है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह का दिल्ली जुड़ाव उनका राजस्थान के साथ में है, राजस्थान के अलग अलग तीर्थ स्थलों के साथ में है, राजस्थान के अलग अलग गांवों के साथ, क्योंकि राजस्थान से खुद आते हैं। ऐसे में राजस्थान को भली भांति समझते हैं और राजस्थान के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे हैं। हमारे साथ सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सपत्नीक पहुंचे और उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर माता रानी के सामने शीश नवाया, देश प्रदेश खुशहाली की कामना की, और अब इसके बाद में क्या वहां से अपडेट है कुणाल? पूरी जी, ये अभी दर्शन कर रहे हैं और दर्शन के बाद ये इनका यहाँ से गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ संवाद का कार्यक्रम है और वहीं पर विद्यार्थियों के साथ भोजन की भी व्यवस्था, विद्यार्थियों के साथ भोजन करेंगे। कुछ ही देर में यहाँ से निकल के गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल कुणाल, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। कुणाल, ये बताइए, क्योंकि जब जब उनका स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन होता है, खासतौर पर विद्यार्थियों के साथ में, बिल्कुल दिली तरह से बातें करते हैं। जितने बड़े पद और ओहदे पर है वैसा लगता नहीं है। कितने स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन होगा, और जब वो सारे स्टूडेंट्स हम मानकर चल रहे हैं क्योंकि बांसवाड़ा में है और उसके अलावा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है, तो ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते हैं उन्हें देकर आगे बढ़ना, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सोसाइटी में आगे बढ़ाने का जिम्मा उन्होंने लिया है। हाँ, ये यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, जिनके साथ इनका संवाद होगा और करीब 30 से 40 बच्चों के साथ ये अभी भोजन करेंगे। ठीक है, चलिए कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।